अगर आप किसी PDF का पासवर्ड अगर हमेशा के लिए वो उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे देख सकते हैं दिस फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्ट, यानी कि कोई भी पासवर्ड जो PDF रहता है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट रहता है, यानी कि वो बिना पासवर्ड का लॉगिन नहीं होगा। और ये जब भी कोई भी PDF हो, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, ऐसे आपको बहुत सारा PDF देखने को मिल जाएगा और वो PDF जो रहता है उस पर पासवर्ड लगा हुआ रहता है, प्रोटेक्ट पासवर्ड रहता है, जो कि आप उसको जितना बार लॉगिन करेंगे उतना बार आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, तो इस पासवर्ड को कैसे आप रिमूव करना चाहते हैं, हमेशा के लिए इसको कैसे रिमूव करेंगे, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे इसका पासवर्ड जो है हमेशा के लिए रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटर ये पासवर्ड लगा हुआ रहता था। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है और क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और क्रोम ब्राउज़र पर यहाँ पर गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना PDF टू पासवर्ड PDF टू JPG, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे देख सकते हैं PDF टू JPG, यानी कि PDF टू JPG में आपको इसको कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट PDF टू JPG एक्सट्रैक्ट इमेज फ्रॉम PDF। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला लिंक को आपको क्लिक कर देना है और फर्स्ट वाला लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट PDF, तो आपको यहाँ पे जो PDF जो आपका है वो उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। और जो भी जहाँ भी आपका फाइल है, जैसे मेरा डाउनलोड में है तो मैं डाउनलोड में चले जाता हूँ और ये देख सकते हैं मेरा डाउनलोड आधार कार्ड का है और इसको चलिए मैं ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पासवर्ड अभी भी सिक्योर है और यहाँ पर उसके बाद आपको कन्वर्ट पे जाना है, कन्वर्ट टू JPG। कन्वर्ट पे जाने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं सम फाइल रिक्वायर पासवर्ड, यानी कि आपका जो भी आधार कार्ड का पासवर्ड है तो आपको आधार कार्ड में आपका 4 अक्षर नाम रहता है और डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ, 4 अक्षर और डेट ऑफ बर्थ भी, और उसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है और ये जो है आपका डाउनलोड JPG में कर लेना है। और डाउनलोड JPG में होने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरा देख सकते हैं डाउनलोड अभी हो रहा है, ये लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ देर वेट आपको कर लेना है और ये मेरा थोड़ा डाटा स्लो चलता है। और ये देख सकते हैं अभी मेरा JPG में कन्वर्ट हो चुका है। इसको अभी ओपन कर लेते तो इसमें अभी मेरा कोई पासवर्ड नहीं लगेगा, ये मेरा JPG में हो चुका है। और मैं अभी आपको डाउनलोड में भी दिखा देता हूँ कि मेरा JPG में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं अभी ये नीचे ऊपर वाला भी ये PDF फाइल था और वही सेम ये जो मेरा है JPG में कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले देखने के लिए।